नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। दोस्तों ये खबर होने वाली है पाकी हेगड़े के ऊपर। दरअसल दोस्तों पाकी हेगड़े की आने वाली पिक्चर के बारे में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। दरअसल ये खबर है उनकी आने वाली पिक्चर दादी माँ से रिलेटेड, जिसमें वो एक बूढ़ी औरत यानी कि दादी माँ का किरदार निभाने वाली है। इसका दरअसल फर्स्ट लुक यानी कि दोस्तों फर्स्ट पोस्टर रिलीज हो गया है। और कैसा है ये फर्स्ट लुक और क्या क्या डिटेल हमें देखने मिल रही है, जो कि बहुत कुछ बताती है इस फिल्म के बारे में, इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारा इस चैनल जिसका नाम है भोजपुरी नाव, उसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन कौन से डिटेल्स हैं जो आप शायद अगर इस पोस्टर को देख चुके हैं तो मिस कर गए हैं, और अगर आपने इस पोस्टर को नहीं देखा है तो आपको पूरी अच्छी तरह से इस पोस्टर को हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इस पोस्टर को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर एक बूढ़ी औरत हमें देख रही है, और इन्हें देखने के बाद ये तो विश्वास ही नहीं होता कि ये हमारी बाकी हेगड़े जो कि इतनी खूबसूरत है। इसमें उन्होंने बहुत ही अपने अंदर बदलाव किया है, पर जिस तरह से दोस्तों बूढ़ी अम्मा दिखती हैं, मतलब अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बूढ़ी अम्मा होंगी उनको आप देखिए और उनसे फिर कंपेयर कीजिए उनके इस लुक का, तो आपको समानताएं नहीं मिलेंगी, बहुत सारी असमानताएं मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर लुक है, अगर उनके आंखों पर आप देखें तो झुड़ियाँ नज़र नहीं आती है, उनके गाल को देखिए, उनके ठुड्डी को देखिए, वहाँ पर मेकअप की ज़रूरत थी जहाँ पर थोड़ा और बूढ़ा लुक यहाँ पर दिखाया जा सके, पर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि मेकअप तो किया गया है, कोशिश की गई है, 100% कोशिश एफर्ट डाला गया है, पर जो लुक निकल कर सामने आया है वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री हमें नहीं लगता है। ये तो बात हो गई इस लुक के बारे में। जो चीज़ों के बारे में बात करें तो इस फिल्म का नाम है प्यारी दादी माँ, और ये जो फिल्म है वो जनरेशन गैप के बीच में होने वाली है। जनरेशन गैप मतलब दोस्तों कि जो आज के जनरेशन है और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उस ज़माने में और इस ज़माने में क्या समानताएँ असमानताएँ आ गई हैं, उस बारे में ये पूरी कहानी होने वाली है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है एक कुत्ता जो कि इसमें इनका दोस्त एक तरह से कह सकते हैं होने वाला है इस फिल्म में। जैसा कि अगर आपने देखा होगा कसम पैदा करने वाले की, जिसमें यश कुमार ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, उसमें एक कुत्ता था जिसकी भी उतनी अहम भूमिका थी जितना कि यश कुमार की थी। और आने वाली उनकी फिल्म जो है कसम पैदा करने वाले की 2, उसमें तो 2 कुत्ता है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे, उसका हमने एक रिव्यू भी डाला हुआ है जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इस फिल्म के इस पोस्टर के बारे में बात करें जिसका नाम है प्यारी दादी माँ, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इमोशनल मूवी ये होने वाली है। जिस तरह से कलर यूज़ किए गए हैं, जिस तरह से इमोशंस इसमें पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि बहुत ही बेचारी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है दादी माँ को। जिसे जानने के बाद, जिसे देखने के बाद तो ये एक बात श्योर हो जाती है कि इस पिक्चर को देखकर शायद इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपके आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएं। आपकी क्या राय है इस फर्स्ट लुक को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल भोजपुरी नाव को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।